रेंज होती है पैर की, कालिया इतना लंबा पैर उसमें नहीं निकलेगा। अब इन्होंने ये पैर निकाला है, ये फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है, और ये बॉल अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये परफेक्ट ड्राइव का बॉल हुआ, ठीक है। इनसाइड योर आपका लेग जो है बॉल के इनसाइड है, और आपका बैट बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पर एकदम क्लोज ऑफ द बॉडी जा रहा है, और आप ड्राइव मारने के लिए तैयार हो। बट अगर इसी बॉल को हम डिस्टेंस में थोड़ा सा अगर यहाँ बढ़ाते हैं तो ये वाला बॉल ड्राइव नहीं करेंगे, इसी बॉल का बेनिफिट उठाएंगे हम और इसको इस रेंज तक लेके चलेंगे। अगर इस रेंज तक, तो ये टो की दिशा बस चेंज कर देगा थोड़ी सी, जैसे जैसे बॉल, क्योंकि बॉल सामने से आ रहा है तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि टो की दिशा क्या है। अगर हमने टो की दिशा ये करी है इसी बॉल पर, तो हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि हमारे एल्बो की दिशा भी टो की दिशा के साथ कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा ध्यान में रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इसका बारीकी से अध्ययन करिएगा कि जब ये शॉट आप खेलने जा रहे हो तो जैसे जैसे आपका बैट आगे की ओर आएगा वैसे वैसे आपका बैक पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बॉल का एयर में लेना और ये देखिए बॉडी का इफेक्ट, और जब ये इफेक्ट पड़ेगा तो ये अपिस शॉट जाएगा, ठीक है। ये शॉट फिर आपका डाउन द ग्राउंड नहीं जाएगा, ये ऊपर से जाएगा। तो इसी तरीके से अब बॉल का लेंथ अगर आप देखोगे तो स्वीट स्पॉट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ लगेगा और बॉल पिक कर जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये और अच्छा पिक करेगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये एडजस्ट करना है कि बॉल आपका गिरने के बाद कितना हाइट लेकर के आपके बैट पर आ रहा है, और बॉडी वेट का, जब बॉडी वेट हमने इसको थोड़ा सा नीचे किया, जैसे ही बॉडी वेट नीचे किया इसका हिटिंग एबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। और इसमें बॉटम का यूज़ पूरा हुआ। अभी मैं विथ एल्बो ये चीज़ बता रहा हूँ कि विथ एल्बो कैसे शॉट को खेलें, ठीक है। क्या हो रहा है कि टॉप हैंड की जो पावर है वो माइनस है, स्टेमिना की कमी आ रही है। देखिए, इस शॉट्स को खेलने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी बल्लेबाज खेलता है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम सभी बल्लेबाजों के साथ होती है, स्टेमिना की कमी। क्योंकि आप क्रिकेट मैच जब आप खेल रहे होते हो तो आपको ये बात पता होती है कि उसी दौरान रनिंग बिटवीन द विकेट करना होता है, उसी दौरान सिंगल्स लेने होते हैं, डबल्स लेने होते हैं, और आपको एक बड़ी हिट भी लगानी होती है। नो डाउट, ये चूँकि कंटिन्यूटी में बॉल फेंकी जा रही है तो यहाँ पर स्टेमिना की कमी होनी निश्चित रूप से तय है। बट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपका टॉप हैंड और बॉटम हैंड दोनों की पावर अच्छी है और आपने स्टेबिलिटी अपनी जमाई है, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है, तो आपके शॉट्स अच्छे होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि चूँकि बॉल का स्पीड भी बहुत धीमा है, बॉल ड्रॉप हो रही है, तो शॉट्स को खेलना जाहिर सी बात है आपको ताकत लगानी है। अगर बॉल आपके पास तेज़ी से थोड़ी आती तो आपको ताकत के साथ टाइमिंग का जो इफेक्ट होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है बैट और बॉल के बीच में, वो बेहतर होता है। तो इसके लिए आपको एजिटेट नहीं होना है, आप बेहतर कर रहे थे। बट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका टॉप हैंड और बॉटम हैंड दोनों का बैलेंस होना चाहिए, और दोनों जब एक साथ फोर्स जनरेट करते हैं बैट के पास तो बैट से शॉट अच्छा निकलता है, ठीक है। और